हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्रत में खाने वाली चीज़ सिंघाड़े की पकौड़ी बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया है, साथ में मैंने सेंधा नमक लिया है और मैंने देसी घी ली है जो इस पकौड़ी को फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी मैं। साथ में मैंने हरी मिर्च ली है, टेस्ट के अनुसार जिसे ऐसा पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिया है, तो सबसे पहले मैं इस बॉयल आलू में सिंघाड़े का आटा मैश करने जा रही हूँ। तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा उतना ही लीजिएगा जितना कि ये मैश हो जाए। मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि नमक के मैश करने के बाद ये गीला हो जाता है। थोड़ी सी मिर्च मैं ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से मैश कर लें। ये इंग्रेडिएंट ऐसा हो कि बहुत गीला ना हो, हमारी पकौड़ी बन जाए। आपको इसे अच्छे से मैश कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे मैश कर लिया है, ये अच्छे से मिल चुका है और ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। तो अब मैं इसे पकौड़ी के शेप में दे दूंगी। आपको ऐसे से गोल बना लेना है। इसके लिए कोई घी तेल कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं करनी है। जितनी बड़ी साइज़ आपको रखनी है उतनी बड़ी साइज़ आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसे पूरा बना लिया है। तो अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ देसी घी में। मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, अब मैं इसमें घी डालने जा रही हूँ, देसी घी। अब इस घी को थोड़ा सा लाल कर ले। मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और मैंने इसमें देसी घी डाला है।
ये घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़ी डालने जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई कर सकते हैं। इसे आप थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। अभी ये ठीक से हुआ नहीं है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करिएगा वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये अब हो चुका है, तो मैं अब इसे निकालने जा रही हूँ। ये पकौड़ी तैयार हो चुकी है। आप इसे निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरी पकौड़ी तैयार हो चुकी है, सिंघाड़े की पकौड़ी जो आप व्रत में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची है, आप बाकी दिनों भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।